नमस्कार, द बिहार मेल के लिए मैं शाश्वत, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बनारस की राजनीति बदली है, आपने देखा समझा होगा, नरेंद्र मोदी ने यहाँ 26 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया और उसके ठीक बाद तेज बहादुर यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया, जो पूर्व सैनिक थे उनके खिलाफ, और 24 घंटे के अंदर में दोबारा उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और इस बार महागठबंधन के वो उम्मीदवार हुए हैं और सपा के सिंबल पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं बनारस से। शालिनी यादव को टिकट मिल गया था, वो महापौर का चुनाव लड़ी थी और हार गई थी, इस बार उनको लोकसभा का टिकट मिला था, उनका टिकट काट कर दोबारा उनको टिकट दिया गया है। तेज बहादुर यादव को दोबारा टिकट दिया गया है। इस 24 घंटे में हुए बदलाव को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर हम हैं अपने इस लाइव सेशन के साथ। हम बनारस के तमाम शहरों से आपसे जुड़ते रहेंगे और हाई प्रोफाइल सीट पर, इस वीवीआईपी सीट पर बनारस का मूड मिजाज क्या है, यह जानने के लिए हम सीधे बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि वह इस सीट को लेकर और बनारस को लेकर, भारत को लेकर किस तरह की बातचीत में आने वाले हैं। हमारे बीच कुछ सीनियर्स हैं, छात्र मौजूद हैं। नमस्ते सर। राज जी हमारे साथ हैं। हम सीधे पूछते हैं, पिछले 24 घंटे में जिस तरह की राजनीति बदली है, तेज बहादुर यादव बनारस से उम्मीदवार हो गए हैं महागठबंधन के, सबसे पहले वो निर्दल लड़ने वाले थे, माननीय मोदी जी ने भी पर्चा दाखिला कर दिया, प्रधानमंत्री हैं वो, किस तरह से आप देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि क्या ये सही हो रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है, थोड़ा हॉलिस्टिक व्यू में यह है कि जो होता है पहली बात तो सही होता है, सबसे बड़ी बात है, और ये एक फेज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा सा फेज़ है जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो बेसिकली हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये जो भी चल रहा है, अभी हलचल है, अभी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी कर रही हैं, बट इन द होल मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा एक नया चेंज लाएगा। कुछ लोगों का माइंडसेट बदला है, जो लोग थोड़ा एरिस्टोक्रेट लोग थे उनका थोड़ा सा माइंडसेट बदला है, और अभी भी कई लोग हैं जो पुराने ख्यालात के हैं, बट जो जो मोमेंट की जो नीड है वो ये है कि हम लोग देखें, कि खुद हम लोग एनालाइज करें, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ का भी आजकल वो चल रहा है। बनारस से जिस तरीके से पर्चा दाखिला हुआ है तेज बहादुर यादव का सपा बसपा गठबंधन पे, रालोद के साथ गठबंधन पे, आपको क्या लगता है कि उनकी स्थिति में किस तरह का परिवर्तन आने वाला है या नरेंद्र मोदी को कितनी टक्कर मिलने वाली है? देखिए, अब बड़े लेवल पे देखा जाए तो हाँ, नरेंद्र मोदी का थोड़ा जो है प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, अपने आप का एक पर्सोनिफिकेशन किया है। बाकी लोग भी हाँ, जो विपक्ष जो है वो उसको स्ट्रेंथनिंग अपने आप को गठबंधन करके वो कर रहे हैं। होपफुली, देखिए अब कुछ कह तो नहीं सकते, बट हाँ थोड़ा सा इस बार ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की जो पिछले साल लहर थी वैसी ना, वैसी लहर नहीं है, लेकिन बातचीत के क्रम में ऐसा लग रहा है कि मोदी ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसा है ना कि आप टीवी पे 10 बार एक ही चीज़ दिखाएंगे, तो जैसे हिटलर ने भी कहा कि आपको कोई झूठ हो आप उसको 10 बार बोल दो वो सच हो ही जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्थिति होने वाली है इस वर्ष बनारस की? बनारस में तो मोदी का तो कंफर्म ही है, अब रहे बाकी जितने भी अलग पार्टी हैं वो बस एक फॉर्मेलिटी के रूप पे ये काम करें। तेज बहादुर यादव का आना, सपा का ये जो नीति है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बस एक तरह से जो मार्जिन होता है ना जीतने का, उसको कम करना है बस, और कुछ नहीं। लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5%, उससे ज्यादा, क्योंकि इनके पास और कोई कैंडिडेट है नहीं। मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते आप इन तमाम चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? मेनली जो अभी तक विकास के मामले में देखेंगे बनारस की कोर, तो विकास तो हुआ है बनारस में, रोड से ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लीजिए, फंडिंग से ले लीजिए, टूरिज्म से ले लीजिए, तो विकास तो हुआ है। तो ऑब्वियसली जब नरेंद्र मोदी फिर से रीएलेक्ट यहाँ से होने वाले, तो वो कहीं ना कहीं एक फायदा रहेगा बनारस के लिए। तो ये आप देख रहे हैं फायदे के तौर पर कि पुनः नरेंद्र मोदी का आना फायदेमंद हो सकता है। हम कुछ और लोग हैं, ये बताइए आप किस विभाग में हैं? बीएचयू पढ़ते हैं? जी, मैं बीएचयू का छात्र हूँ और मैं यहाँ सामाजिक विज्ञान संकाय में हूँ। आपको क्या लग रहा है इस वर्ष की जो स्थिति है चुनाव की, मतलब मोदी जी और तेज बहादुर यादव का वो है, अजय राय भी चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा मोदी जी को, किस तरह की परेशानियां होने वाली हैं दोनों? देखिए, ये तो साफ है कि पिछली बार की तरह मोदी जी की लहर नहीं है, और जिस प्रकार से सपा बसपा ने तेज बहादुर यादव जी को अपना कैंडिडेट बनाया है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी चाहिए कि उसका समर्थन करें। यदि आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को डिफीट किया जाए, हालांकि डिफीट करना मुझे नहीं लगता कि बनारस में जिस प्रकार से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है उस प्रकार से आसान है, लेकिन आप चाहते हैं कि उनको एक टक्कर दिया जाए तो आप उनको समर्थन जरूर करना चाहिए तेज बहादुर यादव का। तो एक बड़ा सामने विकल्प आ सकते हैं ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल। क्या नीतियों में, जहां तक बातचीत हम कर रहे थे, आपने एडवर्टाइजमेंट और तमाम तरह की बातचीत की, आपको क्या लग रहा है कि बनारस में जिस तरह की चीज़ें पिछले 5 वर्ष में हुई हैं या देश भर में, नरेंद्र मोदी की नीतियाँ, वर्तमान सरकार की नीतियाँ शिक्षा को लेकर,
कैसी रही हैं और विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है खासकर, उसमें तो मुझे तो नहीं लगता कुछ ज़्यादा जो है बदलाव आया, उल्टा जो पुराना जो सिस्टम था उससे भी और बेकार हो गया है। क्योंकि आप देखा है, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स देखें या जॉब अवेलेबिलिटी देखें, वो भी रिड्यूस हुई है। और जो पब्लिक सेक्टर मैंने जैसे पहले का नहीं अच्छे से काम करा, और कहीं ना कहीं हम लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जो जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, खासकर जैसे रेलवे देखिए, पहले जो टेंडर्स होते थे कि जो सरकारी जो जितने ठेकेदार हैं उनको मिलते थे, पर आजकल जो है प्राइवेट में जा रहे हैं ज़्यादातर। तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन सेक्टर पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पर हाँ एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि सरकार को एजुकेशन पर बतौर छात्र, खैर हमारे साथ अभिषेक भी हैं, सहयोगी रहे, आपको क्या लगता है इस वर्ष जो तेज बहादुर यादव को टिकट दे दिया गया है, क्या ये शालिनी यादव जो जिनको टिकट दिया गया था उनका अपमान है या नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है, हो सकता है तेज बहादुर यादव का नामांकन दाखिल करना गठबंधन की तरफ से? देखिए जैसा कि अभी तक कोई सहमति विपक्षी पार्टियों का बन नहीं पा रहा था, खैर ये एक अच्छा संकेत है कि कम से कम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अच्छी चुनौती वो पेश कर पा रहे हैं। ये शालिनी यादव के लिए एक अलग संदेश जरूर है, उनके पक्ष में तो ये संकेत है नहीं किसी भी हाल में, उनके विपक्ष में ही जा रहा है, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है कि कम से कम जो विपक्षी पार्टियां अभी तक कहती आ रही थी कि हम एक साथ हैं एक साथ हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ जाके उन्होंने साबित किया है कि नहीं हम एक मत हैं। अब जैसा कि एक दिन पहले अभी अजय राय ने नामांकन अपना दाखिल किया है, अटकलें लग रही है उस पर भी कि वो समर्थन दे देंगे, इस तरह की बातचीत हो रही है। तो अगर विपक्ष एकजुट हो जाए, अजय राय भी मान लीजिए अगर तेज बहादुर यादव को समर्थन दे देते हैं, तेज बहादुर यादव को सपा बसपा कांग्रेस का समर्थन है, तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती नहीं हो जाएगी? कुछ खासा चुनौती उनके लिए नहीं आने वाली है। आपको लगता है कि पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय काम रहा है नरेंद्र मोदी का बतौर सांसद बनारस के लिए? कुछ एज ए खास नहीं किया है, लेकिन हाँ काम बाकी सांसदों के अपेक्षा उनके कार्य जो है वो उल्लेखनीय है। चलिए तो इस तरह की बातचीत में हम हैं और मैं एक और हमारे साथी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, रिसर्च स्कॉलर हैं, पत्रकारिता विभाग में हैं, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। हर्षित जी, आप बताएं कि जिस तरह की स्थिति बनारस में आई है पिछले 24 घंटे में चुनाव को लेकर, नरेंद्र मोदी के लिए या तेज बहादुर यादव के लिए किस तरह की चुनौतियाँ हैं? देखिए सबसे बड़ी बात, पहली बात कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती तो नहीं है, पूरा देश जान रहा है कि जो अभी जिस तरह से पोल्स के आ रहे हैं कि मोदी की सत्ता तो लौट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सामने कोई चुनौती भी नहीं है। राजनीति जिस बिसात पे लड़ी जा रही है वो बीजेपी की बिसात है और सारी पार्टियां बीजेपी की बिसात पे आके लड़ रहे हैं। तो बाकी पार्टियों के पास जब आप किसी से सवाल पूछते हो तो कहता है मोदी नहीं तो कौन, तो वाकई में विपक्षी पार्टियों ने कोई ऐसा फेस नहीं दे पाया, चूँकि मोदी ने अपनी बिसात पे राजनीति की और अपना फेस दिया, तो वहाँ पे उस बिसात पे अगर आप लड़ रहे हो तो आपको एक फेस देना था, नहीं तो आपको विपक्षी पार्टियों को अपनी बिसात पे लाना था और वहाँ पे एक मोदी के फेस के बजाय सरकार के कामकाज को लाना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। तो जो अब लेकिन जब अब इस सिंबॉलिक लड़ाई को जब हम समझेंगे तो ये है कि फिर एक फेस की ज़रूरत थी, तो बनारस से अभी वो फेस कोई नहीं मिल रहा था। पिछले चुनाव में अजय राय ने टक्कर दी थी एज अ लोकल, अरविंद केजरीवाल आए थे और वो बड़ा कांटे की टक्कर हुई थी ऐसा मीडिया के अनुसार, लेकिन जब देखते हैं रिजल्ट में तो मोदी को वोट मिले थे, उसके बाद सेकंड जो हाईएस्ट ग्रॉसर वोट थे वो अरविंद केजरीवाल को मिले थे, बाकी मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन बाकी सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। तो उस चीज़ को देखते हुए जब हम समझेंगे तो बनारस में कोई उनके सामने विपक्षी वैसे भी नहीं है, तो लेकिन बात यह है कि कोई टक्कर एक प्रतीकात्मक तौर पर देने आ रहा है, और तेज बहादुर यादव ने डे वन जिस दिन बनारस आए उसके बाद से जिस तरह से कैंपेनिंग की, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था लेकिन वो अपने दम पे कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके ऊपर इस तरह का चुनाव आयोग की मतलब आचार संहिता के अवमानना का वो भी लगा कि उन्होंने अपने वर्दी में प्रचार किया, उसके बाद से वो फिर टी शर्ट्स में आके कैमोफ्लॉक टी शर्ट पहन के प्रचार किया। तो वो जिस प्रतीकात्मक लड़ाई को वो लड़ रहे हैं वो वही लड़ाई है जो बीजेपी जिससे बचना चाहती है, इसलिए बचना चाहती है कि चूंकि उस लड़ाई की तो वो बादशाह है, लेकिन जब सामने भी उस तरह से कोई आके लड़ रहा है तो फिर बीजेपी के लिए वहाँ पे एक बार बैकफुट पे आना पड़ता है। अब जैसे ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लिए कल सुबह तेज बहादुर ने नामांकन दाखिल कर दिया, उसके बाद 2 दिन से अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद तेज बहादुर को नामांकन सपा अपना समर्थन दे सकती है या गठबंधन अपना समर्थन दे सकता है। जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद तेज बहादुर यादव ने दोबारा से नामांकन किया नए सिरे से, तो ये चीज़ समझने वाली बात थी, अगर ये चीज़ अभी उन्होंने महागठबंधन ने सपोर्ट किया तो ये शायद विपक्ष को ये निर्णय पहले लेना चाहिए था। कांग्रेस की तरफ से कल अजय राय ने नामांकन दाखिल किया,
अभी ये अटकलें चल रही हैं कि शायद अजय राय पीछे हट जाएं और शायद विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पे तेज बहादुर लड़ें, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम है नामांकन वापस लेने का, तो हो सकता है अजय राय वो वापस ले लें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने सैन्य सुरक्षा को और नेशनल सिक्योरिटी को मुद्दा बनाया है इस वर्ष चुनाव में, हर बार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इसका उल्लेख करने लग रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि एक सैनिक का चुनाव लड़ जाना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है? जिस तरह से सपा बसपा कांग्रेस तीनों ने सहयोग दे दिया, कोई और दल उम्मीदवार नहीं आ रहा है, 111 तमिलनाडु से किसान आने वाले हैं, अगर उन तमाम लोगों का समर्थन मिलता है तो नरेंद्र मोदी के लिए केजरीवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण दावेदारी हो जाएगी? मुझे ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को कहीं मुश्किल आने वाली है, बट हाँ जब आप सिंबॉलिक की राजनीति करते हैं तो उसमें फिर ये है कि आप अब तक आपके पास ये मुद्दे होते थे कि आप जवानों के नाम पर वोट मांग रहे थे, यहाँ आप वो काम नहीं कर सकते, यहाँ आपको अपने काम के आधार पर मांगना पड़ेगा। और एज अ सांसद या एज अ प्रधानमंत्री बनारस में काफ़ी काम हुए हैं, इसको नहीं झुटलाया जा सकता, बहुत से काम हुए हैं। मतलब मुझे याद है कि मैं करीब 6-6.5 साल पहले इस विश्वविद्यालय में जब पढ़ने आया था तो बरसात के दिनों में मुझे अपने घुटने तक पैंट चढ़ा के और पानी में आना पड़ता था बरसात के दिनों में विश्वविद्यालय, कम से कम रविदास चौराहे से लेकर BHU चौराहे तक पानी का लबालब होता था बरसात के दिनों में। लेकिन अब वो चीज़ देखें कम हुई है, सड़कें अच्छी हुई हैं, बेहतर हुई हैं, और भी व्यवस्थाएँ हुई हैं, कई सारे अस्पतालों को चाहे BHU के अंदर और ज़िले में का निर्माण किया गया, और भी कई सारे और भी कई सारे निर्माणधीन हैं, और भी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो जब बनारस के शहर की तरफ बात करें तो काम हो रहा है और हो रहा है, उसमें कम या अधिक उस पर सवाल हो सकते हैं या किस क्वालिटी के हो रहे हैं उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन काम तो हो रहा है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो वादा करके आए थे मोदी 2014 में कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया और गंगा की सफाई का लिया था, 4 साल तक हमने देखा कि उमा भारती थी और उमा भारती का कुछ उस तरह से रिजल्ट आया नहीं गंगा सफाई में, उसका नितिन गडकरी को उनका पोर्टफोलियो दिया गया और उसके बाद नितिन गडकरी ने जैसा उसका नमामि गंगे का फिर प्रचार भी आया और काम भी दिखा कि कानपुर में उन्होंने सबसे बड़ा नाले को बंद कराया, लेकिन बनारस में उस तरह से अभी है गंगा सफाई। बनारस में 3-3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है चल मतलब एक निर्माणाधीन है और 2 शायद चालू होने की स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उस तरह से वो चीज़ें हुई नहीं है। गंगा की जो 2 सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे वर्णा और अस्सी, जिनके नाम पे इस वाराणसी शहर का नाम पड़ा है, वर्णा में अखिलेश गवर्नमेंट अपने टाइम में रिवर फ्रंट का काम शुरू किया जो कि अभी तक निर्माणाधीन है ये सरकार के आने के बाद भी। 80 की जो स्थिति है वो वाकई पूरे वाराणसी शहर के लिए बहुत ही दुभर है कि जिस शहर से जिस नदी से आप इस शहर का नाम रखते हो और उसकी पौराणिकता का वर्णन करते हो, उस नदी को अगर आप देखेंगे तो नामांकन के जुलूस के दिन दोनों तरफ से सफ़ेद कपड़ों से ढक दिया गया था ताकि वो ना दिखे, चाहे प्रधानमंत्री को ना दिखे या मीडिया के थ्रू देश में वो ना दिखे। तो अगर नमामि गंगे के तहत काम हुआ है जिसका नितिन गडकरी भी प्रचार कर रहे हैं और जो कि अपने सरकार में सबसे बेस्ट परफॉर्मर मंत्री के तौर पे ख्यात हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें धरातल पे हैं तो फिर क्यों वो उन पर्दों को लगाने की जरूरत आन पड़ी? तो शायद ये ऐसी चीज़ें थी जब आप गंगा को प्रायोरिटाइज करते हो या उसको एक सिंबल बनाते हो तो आपको ये काम पहली प्रायोरिटी पे करना चाहिए था कि गंगा की सफाई के लिए आपको देखना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ मिस कर गए मोदी उस या उस मौके को भूल गए, तो उस पे काम कर सकते थे। काम हुआ है बनारस में, इसकी दो राय नहीं है, लेकिन अभी काफी मतलब जिस तरह के वादे थे या जिस तरह के एक्सपेक्टेशन थे उस पे काफी बाकी है। वो कहते हैं ये काशीनाथ विश्वविद्यालय का विचार था इन सब चीज़ों पर, हम लगातार जुड़े रहेंगे आपसे, नदी को लेकर शहर भर में रोष है हम लोगों ने, ऑफ कैमरा भी बहुत सारे लोगों से बातचीत की जिन्हें लग रहा है। एक बात और यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जी कुछ समय पहले गंगा में जो बहुप्रतीक्षित योजना थी इनकी अपना ये फेरीज चलाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आज से हल्दिया से वाराणसी एक फेरी आई भी पेप्सिको के प्रोडक्ट्स लेके और मोदी जी ने उसको रिसीव किया रामनगर के जो नया बंदरगाह बना है वहाँ पे। लेकिन अब आप ये सोचिए वहाँ के इंजीनियर ने से जब बात हुई उस पर रिपोर्ट्स आए कई सारे कि जब भी ऐसे शिप आएंगे तो कम से कम 3 मीटर की ड्रेजिंग करनी पड़ेगी। पिछले साल गंगा में बनारस में ऐसी पहली बार स्थिति हुई थी कि बीच गंगा में जो है रेत के टीले उभर आए थे और ABP के ही एक पत्रकार हैं रणवीर सिंह जी, उन्होंने 4-पहिया वाहन ले जाके वहाँ पे से रिपोर्टिंग की थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि बनारस में गंगा के बीच में रेत के टीले उभर आना, ये वाकई में लंबे समय में ऐसा कोई घटना घटी नहीं थी। ये नज़ारा इलाहाबाद में तो आम था लेकिन बनारस में इस तरह का नज़ारा कभी नहीं हुआ था, वो पिछले साल पहली बार लोगों ने महसूस किया था। तो अब आप समझिए कि आप नदी को नदी के तौर पे देखते हैं या नदी को सिर्फ एक विकास के टूल के तौर पे देखते हैं, क्योंकि अगर विकास के टूल के तौर पे देखते हैं तो फिर आपका विकास की व्यवस्था जो आप बना रहे हो वो भी आगे जाके चरमराने वाली है, क्योंकि अगर आपको अभी उस नदी में शिप लाने के लिए 3 मीटर की ड्रेजिंग करनी पड़ी तो आगे उसमें क्या स्थिति होगी। दूसरी तरफ
उस नदी से जो परिस्थिति है यहाँ की वो किस तरह से है। जब मोदी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो जो 80 या वाराणसी शहर का जो इलाका है नदी के सामने, उसको पूरा वो कछुआ सेंचुरी है, जिसकी वजह से वहाँ ड्रेजिंग नहीं होती और वहाँ पे बालू का खनन नहीं होता। इसकी वजह से घाटों में दरकने की चीज़ें आई थी, कुछ घाट बने भी हैं रिसेंटली, लेकिन उसका ये हुआ कि उसके बावजूद बालू का खनन हुआ नहीं और गंगा अभी भी उस धार में चल रही है, तो उसकी तरफ उसकी वजह से वाराणसी के घाटों को खतरा है। तो ये इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा और जिनका वादा उन्होंने 2014 में किया था लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है, तो इन सारे कामों को नदियों को लेकर रोष है शहर भर में, शहर के लोगों में, और बातचीत में जिस तरह से बात आ रही है नदी पर लेकर सरकार भी उतनी गंभीर नहीं नजर आई पिछले 5 सालों में। तमाम तरह के काम दिखे हैं, हुए हैं और अगले शहर से बाहर विकास नहीं हुआ है, यहाँ का भी हालत बहुत खराब है। जो बनारस शहर का ही एक अंग है, छितुपुर में आप जाकर देख लेंगे, ना तो सड़क है सही से, बिजली भी बहुत कम आती है, ये सब समस्याएं हैं। मैं तो रह रहा हूं जी, मुझे पता है, आपको भी पता होगा। बनारस शहर के सिर्फ देखिए, विकास का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ शहर बीच शहर में विकास कर देने से नहीं होता है, क्योंकि बनारस का जो गाँव है वो भी छूट चुकी है विकास से, कहीं ना कहीं बाहर हो चुकी है। शहर में ही देख लीजिए, जो शहर का आउटर इलाका है वो भी पूरी तरह से विकास से छूट चुका है। तो सिर्फ आप शहर में विकास करके आप उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकते हैं कि आप विकास किए हैं, मतलब ग्रामीण इलाके जो है अछूते। बनारस में अगर आप बात करेंगे तो पार्षद से लेकर सांसद तक, और सांसद जो कि प्रधानमंत्री है, सब भाजपा से है मैक्सिमम। तो लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है बनारस की, नगर निगम की जो स्थिति है वो बहुत खस्ता हाल है। इस समय महापौर भी भाजपा के, और उसके पहले भी भाजपा ही के थे, हाँ पिछले 2-3 साल से जो मुझे याद है भाजपा ही थे, विधायक भी मोस्टली आपके शहर में भाजपा के ही रहे। लेकिन इसके बावजूद जो कई सारी चीज़ें जो बनारस में फेल होती है, उसमें निगम का बड़ा हाथ होता है, जिला प्रशासन का, मतलब निगम की बड़ी बात करेंगे। पुल गिरने से लगाया इन तमाम चीजों में, निगम पे जब सवाल उठेगा तो भाजपा पे इसलिए उठेगा क्योंकि लंबे समय से भाजपा निगम में काबिज है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री यहां के सांसद हैं, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी यहां के सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं यदि सब कुछ उनका है, नीचे से लेकर आप ऊपर स्तर तक देखें तो सभी भाजपा के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही होती है आपकी। यदि परिषद पार्षद काम नहीं करते हैं, महापौर काम नहीं करते हैं, तो प्रधानमंत्री जब सांसद हैं तो उनकी जवाबदेही बनती है कि आप जरूर उनसे पूछें कि सिर्फ कि आखिर क्या दिक्कत रह गई कि आप ये काम छूट गई है। ये बातचीत है और हम जारी रहेंगे इन तमाम चीज़ों में। बनारस के लोकसभा चुनाव को लेकर काशेंद्र विश्वविद्यालय की राय थी, लोग बाग और रहने वाले बाशिंदे इस बात से नाराज हैं कि ग्रामीण इलाकों में को अछूता रख दिया गया है। शहर में ही वो इलाके जहाँ जो विश्वविद्यालय के पिछले हिस्से में है या कहीं से भी ग्राम सभा में आते हैं, उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी बात, दूसरा रोष नदी को लेकर आया है और हम चाहेंगे कि अपनी पूरी रिपोर्टिंग में हम हर बार नदी को और यातायात को, दो विषयों को मुद्दा बनाएं और उस पर बातचीत करें। फिलहाल तेज बहादुर यादव सपा बसपा रालोद के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के लिए एक अच्छा विपक्ष की भूमिका, अच्छी विपक्ष की भूमिका देने वाले हैं। इससे पहले तक, मतलब कल तक ये बात तय नहीं थी कि शालिनी यादव को टिकट मिल गया था, अजय राय अपना लड़ रहे हैं।